गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं व्लॉग्स ऑफ नील। तो आज अपन जाने वाले हैं भवानी मंदिर के पास, जो कि है दर्री से थोड़ा ही आगे। आज मेरे साथ जाने वाले हैं मेरे दोस्त लोग अजय और स्मित। तो ये अजय और स्मित, हाय गाइस। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए व्लॉग्स ऑफ नील। लेट्स सेट गो। तो गाइज अपन पहुंच चुके हैं आप NTPC गेट के पास। ये है अपने जमनीपाली का बस स्टॉप, सामने देखिए। और इधर से जाता है जेलगांव और ये रास्ता जाएगा भवानी मंदिर की ओर। तो जैसा कि गाइस दर्री डैम का रास्ता काफ़ी ख़राब है इस पुल का, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए ताकि यहाँ से आवागमन आसान हो सके। काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रास्ते से जाती है और अभी इसमें पानी का छिड़काव किया गया है ताकि धूल वूल ना हो। तो फाइनली अपन पहुंच गए भवानी मंदिर के पास। राइड कर दे ब्रो। सो जैसा कि गाइस अपन पहुंच गए हैं भवानी मंदिर के पास और गाड़ी को अपने साइड में रख दिया है इधर, और यहाँ हम बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अपन आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग्स ऑफ नील में। गाइस अपन अंदर आ चुके हैं और आइए मैं आपको दिखाता हूं अंदर का नज़ारा। काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं यहाँ बगीचे में। काफ़ी सुंदर नज़ारा है मंदिर का। तो जैसा कि गाइस आने वाले चैत्र नवरात्रि के समय पे ये जगह काफ़ी भीड़ हो जाएगी यहाँ इस मंदिर में। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हमारे कोरबा एरिया का सबसे फेमस मंदिर है ये भवानी मंदिर। वीडियो बनाना फ़ोटो बनाना अलाउड नहीं है, तो अंदर का अपन आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर से हम आपको पूरे मंदिर को दिखा रहे हैं। तो
और जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं, ये है वो यज्ञ स्थल जहाँ नवरात्रि के टाइम पे यज्ञ किया जाता है। जब भी आपको घूमने का मन करे किसी दर्शनीय स्थल में, तो यहाँ एक बार आप ज़रूर आइएगा। काफ़ी अच्छा स्थल है, काफ़ी अच्छी जगह है। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप आ सकते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण जसवाल है। हाँ, और इस जगह के बारे में आपका क्या कहना है, इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर बहुत पुराने हैं, यहाँ मैं भी पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप भी पहली बार आए हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है आग बार, अच्छा, लेकिन नाम सुना तो बहुत पुराना है। अच्छा, तो जगह आपको अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही। अपन मंदिर से बाहर निकल गए हैं और हम आपको ले जाने वाले हैं पार्क की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ। और मंदिर का दर्शन तो हमने आपको करा दिया, अब हम आपको कराएंगे पार्क का दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जा रहे हैं पार्क की ओर। पहुंच गए पार्क में और ये देखिए, आपको अपन दिखा रहे हैं पार्क का नज़ारा। यहाँ काफी काफी सारे गाइस, धूप काफी तेज है, तो अपन बैठे हैं अभी पेड़ के छांव में। काफी मजा भी आ रहा है। कैसा लग रहा है गाइस? बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा, नीम के छांव में बैठे, शुद्ध ऑक्सीजन और काफी सौंदर्य नजारा। सो गाइस, देखिए यहाँ का झूला काफी पुराना हो चुका है। देखिए इस शख्स को, यही है परेशान, सनसनी खेत। अरे ये स्मित बैठे हुए अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए हुए, जो कि है ही नहीं। तो जैसे कि गाइस अपन जा रहे हैं वापस घर की ओर, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये तो गलत है। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हमारी न्यू वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच जाए, ठीक है? तो पूरा सपोर्ट कीजिएगा गाइस, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अपना प्यार बना के रखिए, तभी ब्लॉग सब नील आगे बढ़ेगा। और इस चैनल से मेरी काफ़ी उम्मीद है गाइस, तो आप सब लोग का प्यार रहेगा तभी मेरा चैनल ग्रो होगा। और मैं ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए डेली वीडियोस डालते रहूँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाऊँगा। तो आपका पूरा प्यार दीजिए, भरपूर प्यार की ज़रूरत है मेरे को। तो मिलूँगा मैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।